हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। टाइम हो चुका है शाम के 7 और आज डेट है 21 जुलाई। कैजुअली ऐसे ही खेत में घूमने के लिए आ गया था, कोई काम नहीं बरसात में। फिलहाल के टाइम में बरसात में जो काम होता है बस सुबह के टाइम जो पशु हैं, बच्चे हैं, उनके लिए चारा ले जाओ और बस, उसके बाद जिम चले जाते हैं। फर्क दिखना शुरू हो गया है बॉडी पे थोड़ा थोड़ा, अभी 1-2 महीने में और पता चल जाएगा। मेरा फेस पे कम पता चलता है, बॉडी पे ज़्यादा पता चलता है। तो चलो करते हैं मेहनत अपनी जिम में, और आप भी बारिश को एंजॉय कीजिए। पर गाइस प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, बारिश चल रही है, इस मौसम में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो आप अपना ध्यान रखो और बीमारी से बच कर रहो, क्योंकि इंसान बीमार पड़ता है उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। और अब का सीन तो आपको पता है कैसा चल रहा है, अगर इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई तो आप जानते हैं क्या होता है, कोविड बैंड बजा देता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूवर को कोई भी बीमारी हो, फिट हेल्दी और सेफ रहो आप, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और जैसे गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले 2-3 वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें और हर चीज़ का केयर करें। तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में, आँखों की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या 2 दवाई बता रहा हूँ मैं आपको, आप उनको भी डाल सकते हैं। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें एक बार, 2 दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। एक दवाई है आईटोन के नाम से आती है, ये काइंड ऑफ आयुर्वेदिक दवाई है, और एक दवाई है होम्योपैथिक की आती है, ये है सिनेरेरिया, शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, सिनेरेरिया के नाम से दवाई आती है, ये होम्योपैथिक की दुकान से मिल जाएगी आपको और वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे तो बहुत दवाई आती है, आप जो उनको आपको जो उनसे भी अच्छे लगे आप ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और जो आप डालते हैं पर डालते रहें, क्योंकि इस मौसम में आँखें की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हमारे हाथ गंदे होते हैं, आँखों में खुजली हुई कर लिया और उसके बाद आँखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज प्लीज़ बताना मुझे, मैंने कैमरे के साथ कुछ ट्राई किया है, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये, आप मुझे बताना ये कैसा लग रहा है। अगर आपको इसमें वीडियो पसंद है तो शायद मैं इसी मोड में करूं, क्योंकि इसमें चेहरा थोड़ा वाइट वाइट सा आ रहा है, तो बताना मुझे कैसा लग रहा है। बैक टू द नॉर्मल फ्रेम, और मैंने ट्राई किया था, बताना मुझे आप कैसा लगा वो फ्रेम जो है। आज है 26 जुलाई, पहुंच चुके हैं जिम, पीछे सोनू भाई मेरे, और आज मंडे है तो चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं कितना शूट कर पाता हूँ या नहीं। गर्मी तो वैसे ही, बारिश भी हो रखी है और गर्मी इतनी बैंड बजा रखी है, पसीना देख सकते हैं आप कितना आया हुआ है। तो चलते हैं और करते हैं स्टार्ट। ये रही बेंच का सेटअप किया हुआ है, तो अब करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर मैं शूट कर पाया तो आपको दिखाऊंगा। वैसे ज़्यादा हैवी नहीं करते पर फिर भी देखते हैं। मस्त वाला वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, अभी अभी करके ख़त्म किया है, सांस फूली हुई। अब चेस्ट और एब्स की एक्सरसाइज की आज, अब चलते हैं घर।
गाइज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो भी न्यू कमर हैं बॉडी बिल्डिंग में, जो जिम करते हैं, नए बच्चे जो जाते हैं, तो वो एकदम से जाते हैं और एक्सरसाइज डेली के डेली शुरू कर देते हैं, ना तो कोई स्ट्रेचिंग वगैरह करते, ना वार्म अप करते। तो गाइज प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि सबसे पहले जाके वार्म अप करें, उसके बाद स्ट्रेचिंग करें और तब अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। कम से कम 15 से 20 मिनट आप इस चीज़ में ज़रूर दें, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो मोशन में आ जाती है और आपको इंजरी, क्रैम्प और मसल्स पुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, पर एक्सरसाइज करें ज़रूर, एक्सरसाइज करें और अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखें। अगर आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा और आगे बढ़ेंगे। तो चलो गाइज इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूँ, और मैंने कुछ थोड़े से जिम के शॉर्ट डाले हैं 2 दिन के, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखना ध्यान से। वैसे मैं इसको फास्ट लूप में लगाऊंगा, पर आप एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज को थोड़ा स्लो मोशन में करें, वेट को अपने कंट्रोल में रखें, वेट के कंट्रोल में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप वेट के कंट्रोल में चले गए तो चोट लग सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंशन करें अपनी एक्सरसाइज में। वेट भले ही आप हल्का उठाएं, उससे कोई वो नहीं है, आप आज हल्का उठाएंगे और कल हैवी भी उठा सकते हैं, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और तो चलते हैं, अब अंधेरा भी हो गया, अब चलते हैं घर। इसी नोट पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूर। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय।